अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से वही प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो सबको ही आ रही है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड वाली प्रॉब्लम, जो धड़ाधड़ मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही, सही ना। तो इसका आज मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, सही है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोले थे ये अब डालो, ये वीडियो अब डालो, अब डालो। तो ब्रदर, मुझे ना आप लोग सोल्यूशन जो है ना, आप लोगों को ट्रिक मतलब फालतू जो ट्रिक, मुझे ना आप लोग ऐप नॉट इंस्टॉल के पहले कमेंट के एक घंटे बाद मुझे वो सोल्यूशन मिल गई थी, वो मैं वीडियो अपलोड कर देता, आप लोगों का टाइम ज़्यादा होता, क्योंकि वो जो ट्रिक थी वो 100 में से 1000 में से एक बंदे की वर्क करती, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करती। अब मैं वो वीडियो डालता, मेरे व्यूज आते, सब्सक्राइबर्स आते, लोग फिर बोलते कि सोल्यूशन डालो, तो इसे फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया और 3 ऐसी ट्रिक्स ढूंढी है जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली ट्रिक्स। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। गाइस, आप लोग चले जाना अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग सर्च करना है अननोन सोर्स, या फिर सिर्फ अननोन सर्च कर लेना, फिर उसके बाद आ जाएगा इंस्टॉल अननोन ऐप्स, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक और इंस्टॉल अननोन ऐप्स लिखा होगा, उस पर भी क्लिक करना है। फिर आप लोग ये 3 ऐप्स देख सकते हैं, क्रोम, ड्राइव और फाइल्स बाय गूगल। इन तीनों की अननोन सोर्स आपको अलाउ कर देनी है। तो पहले मैं आप लोग क्रोम खोल के दिखाता हूँ अलाउ किस तरह करनी है। तो इन तीनों की आप लोग सोर्स अलाउ कर देनी है। तो आप लोग क्रोम में जाके इस तरह अलाउ करना, ये देख सकते हो मेरी अलाउ है, तो इसी तरह आप लोग देखना आपका इसी तरह अलाउ। अब मेरी सेटिंग्स अलग थी तो मेरा अलग तरीके से इंस्टॉल अननोन ऐप्स है। आप लोग अननोन सोर्स भी लिखोगे तो सर्च में ये लिखना है, बस आप लोग सर्च में जो भी लिखोगे आएगा इंस्टॉल अननोन ऐप्स की तरह ही कुछ, बस सबकी सेटिंग्स अलग होती है और फोन की इसलिए अलग तरीके से आता है। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। आप लोग सर्च भी कर सकते हो सिर्फ ऐप्स, सही है। यहाँ जाना है सी ऑल ऐप्स में जाना है, सही है, मतलब आ जाएगा आप लोगों का। फिर आप लोग जाना है क्रोम में, ये मिल गया मुझे मेरा क्रोम। अब क्रोम को क्या करना है, आप लोग फोर्स स्टॉप कर देना है, फोर्स स्टॉप। फोर्स स्टॉप करने के बाद ये स्टोरेज एंड कैशे लिखा होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसको क्लियर कैशे कर देना है। फिर आप लोग अपना प्ले स्टोर खोलना है, उसमें स्टोरेज एंड कैशे में जाकर क्लियर कैशे और क्लियर कैशे और क्लियर स्टोरेज दोनों कर देना है। आप क्लियर स्टोरेज या शायद क्लियर डेटा लिखा रहा होगा, तो वो दोनों चीज़ें कर देनी है। फिर आप लोग फाइल डाउनलोड करके चेक करनी है हो रही है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आप लोग अपना प्ले स्टोर खोलना है, ये दूसरी ट्रिक है, पहली ट्रिक एक जगह खत्म हो गई। अब ये दूसरी ट्रिक है, प्ले स्टोर खोलने में इसलिए कर रहा है, इसको मैंने क्लियर डेटा करा था। अब आप लोग अपना जो आइकन बना रहे हैं एच, जैसे आपकी प्रोफाइल का जो आइकन बना रहे हैं, आप लोग उस पर क्लिक करना है। ये प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे, फिर ऊपर साइड में एक सेटिंग्स बने आ रही है, आप लोग उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये दो चीज़ें हैं, ये स्कैन ऐप्स वगैरह, इसको ऑफ कर देना, टर्न ऑफ कर देना इसको। फिर आप लोग फाइल डाउनलोड करके देखनी हो रही है या नहीं। अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इससे फ़र्क पड़ सकता है। आप लोग देखना है आपकी स्टोरेज है ना 90 मतलब आपकी स्टोरेज 5 से 7 GB फ्री होनी चाहिए जब आप लोग गेम डाउनलोड कर रहे हो। मेरी भी 5 से 7 GB फ्री थी, सही है। तो आप लोग भी कोशिश करनी है आप लोग की जो स्टोरेज हो 5 से 7 GB फ्री हो, और इसमें ना स्टोरेज और मतलब एंड्रॉयड वर्जन के साथ साथ इसमें प्रोसेसर का भी फ़र्क पड़ सकता है, कि ये गेम है ना पीसी के लिए थी, ये मोबाइल के लिए आई, तो इसको प्रोसेसर हैवी चाहिए होता है इस गेम को चलने। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ थी। अब आप लोग क्या करना है, तीसरी ट्रिक में प्ले स्टोर को ऑन करना है, आप लोग उस पर लिखना है क्विक वीपीएन। आप लोग क्विक वीपीएन को कर लेना इंस्टॉल। जैसे आप लोग का क्विक वीपीएन इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोग उसको ओपन करना है, आप लोग उसको कनेक्ट करना है सिंगापुर के सर्वर में। आप लोग किसी भी सर्वर में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंगापुर का सर्वर। अब ये मेरे ऐसे में ऐसे ही है, लेकिन ना अगर आप लोग आज सिंगापुर के सर्वर से भी ना हो, तो आप लोग इस सारे सर एक एक करके कनेक्ट करके देख लेना किससे हो रहा है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा सिंगापुर का सर्वर। तो आप लोग इस तरह कनेक्ट करना है, नीचे एक एरो बना था, उस पर क्लिक करना है, ओके करना, और ये हो गया हमारा फॉरन से। फिर आप लोग फाइल इंस्टॉल करके चेक करने हो या नहीं। ये मेरी 3 ट्रिक थी जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली ट्रिक है। अब आप लोग बताना, आप लोग मुझे बताना आप लोग कौन सी ट्रिक वर्क कर रही है। तो मैंने बहुत मेहनत लगा के ढूंढी आपके लिए, मुझे गेम प्ले भी बना सकता था, गेम प्ले खेल के मैं मतलब मुझे गेम प्ले करना था, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा पूरा दिन लगा के ढूंढ। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक अपनी मतलब आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस मेरे लिए यही काफ़ी होता है। तो यार बस आप लोग ये करना, इतना कर देना कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना, सही है। और मैंने तो ये 3 ट्रिक बहुत मुश्किलों से ढूंढी, अब आप लोग बताना आप लोग कौन सी वर्क कर रही है, ओके। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अगली कोई अच्छी सी वीडियो में, गेम प्ले वगैरह की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।